रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन रुद्रप्रयाग जिले में 3 ऐसे गांव हैं जहां होली का त्योहार आते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। इन 3 गांवों के 372 साल पुराने इतिहास में कभी भी होली नहीं मनाई गई। आखिर क्यों नहीं मनाई जाती इन गांवों में होली, देखिए ये खास रिपोर्ट। अबीर गुलाल के साथ हुलियार गांव से लेकर बाजारों में पहुंचने लगे हैं। देश भर में बच्चे, जवान, बूढ़े सभी होली के रंग में रंगीन हो गए हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि ब्लॉक की तल्ला नागपुर पट्टी की कुइली, कुरझड़ और जोंदला गांव इस उत्साह और हलचल से कोसों दूर हैं। यहां ना कोई होलियार आता है और ना ग्रामीण ही एक दूसरे को रंग लगाते हैं। 372 साल बीत गए जब इस गाँव का बसाव हुआ था, तब से आज तक इन 3 गाँव में होली नहीं मनाई गई। ऐसा नहीं है कि इन गांव के लोगों को होली मनाना पसंद नहीं है, बल्कि होली तो वो मनाना चाहते हैं। गांव के बच्चों को ही देख लीजिए, होली ना मना पाने का उन्हें हमेशा मलाल रहता है। नहीं, हमने कभी खेली न होली खेली नहीं है, पर आस पड़ोस में गांव में लोग खेलते हैं होली और हमें बहुत इच्छा होती है खेलने की। और पर हमारे दादा दादी जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कभी होली नहीं खेली, इसीलिए तो हम भी नहीं खेलते हैं। और सभी गांवों में खेली जाती है और हमारे दादा दादी पापा वो लोग भी नहीं खेलते हैं और हमारी बहुत इच्छा करती है खेलने की। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे इन 3 गाँव की बसावट करीब 371 साल पूर्व की मानी जाती है। यहाँ के ग्रामीणों का मानना है कि जम्मू कश्मीर से कुछ पुरोहित परिवार अपने यजमान और काश्तकारों के साथ करीब 371 वर्ष पूर्व यहाँ आकर बसे थे। ये लोग तब अपनी इष्ट देवी मां त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति और पूजन सामग्री भी साथ लाए थे, जिसे गांव में स्थापित किया गया। मां त्रिपुरा सुंदरी को वैष्णो देवी की बहन माना जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कुलदेवी को होली का हुड़दंग और रंग पसंद नहीं है, इसलिए वो सदियों से होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। बताते हैं कि 150 वर्ष पूर्व इन गांवों में जब होली खेली गई तो यहां हैजा का प्रकोप हुआ था और बीमारी से कई लोगों की मौत भी हो गई थी। तब से आज तक इस गांव में होली के रंग नहीं बिखेरे जाते। हम पूर्वज पहले से होली नहीं खेलते हैं, वो कहते हैं कश्मीर से आ रखी है, उनको देवी उनके साथ आ रखी है, उस देवी को रंगों से वो परहेज है, वो दोष होता है गांव में रंगों से, इसलिए होली नहीं खेलते। होली हमारे बुजुर्गों कभी नहीं खेले, सास ससुर कहने बिना हमारे गांव में ये कुछ दोष हों तो होली खेले। बाला सुंदरी देवी से हमारे जब कुछ होली वोली खेला तो ये दोष हों तो हमारा बच्चा भी नहीं खेलता होली। अब इसे अंधविश्वास कहें या ग्रामीणों की अपनी इष्ट देवी मां त्रिपुरा सुंदरी पर आस्था, लेकिन ये एक ऐसा सच है जो इन 3 गांवों की 15 पीढ़ियां निभाती आ रही हैं और अब नई पीढ़ी भी उसी का अनुसरण कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो रुद्रप्रयाग।